नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme C30s versus Tecno Spark 90 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो C30s में 6.46 इंच जबकि Spark 90 में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो C30s में 2.98 इंच जबकि Spark 90 में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो C30s में 0.33 इंच जबकि Spark 90 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि C30s से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो C30s में 6.5 इंचेस जबकि Spark 90 में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन C30s में 720x1600 और Spark 90 में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो C30s में 82.06% जबकि Spark 90 में 84.12% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो C30s में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Spark 90 में 400 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो C30s में एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, और Spark 90 की बात करें तो इसमें तीन कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में QVGA देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो C30s में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Spark 90 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो C30s में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Spark 90 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो C30s में पावर GE8322 जबकि Spark 90 में पावर GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो C30s में यूनिसॉक SC9863A और Spark 90 में MediaTek Helio G35 मिलता है। बात करें RAM की तो C30s में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 2GB 4GB की RAM मिलती है, जबकि Spark 90 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो C30s में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 64GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Spark 90 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो C30s में अप टू 1TB जबकि Spark 90 में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो C30s में Android V12 जबकि Spark 90 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो C30s में 2 कलर्स जबकि Spark 90 में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो C30s में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 2GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 7499 रुपीस, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 8999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Spark 90 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 9799 रुपीस में मिलता है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme C30s में 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें टेक्नो स्पार्क 90 की तो उसमें 8 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में स्पार्क 90 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में C30s आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo T144W है, दूसरा Xiaomi Redmi Note 11 SE है, तीसरा Xiaomi Redmi Note 11 4G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 11 Prime 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।